नमस्कार। कुछ लोग मुश्किल हालात में आपा खो देते हैं, अपने आप के ऊपर कंट्रोल खो देते हैं। बस कहते अब क्या होगा, ये हो गया, अब क्या होगा मेरा, अब क्या होगा, बस थर थर कांपने लगते हैं। कुछ समझ में नहीं आता क्या करें, बस उनका दिमाग दिल टेंशन से घूम जाता है और बस अपने आप पर कंट्रोल खो देते हैं और चारों तरफ ऐसे दिमाग अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसे करते। कहीं आप तो ऐसा नहीं करते? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किल हालात में अपने आप को खो देते। आखिर मुश्किल हालात में अपने आप को कैसे संभाले, मुश्किल सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? एक बात ध्यान रखना, परिस्थितियां हमेशा सेम नहीं रहती है, कभी सुख दुख, दुख सुख दोनों आते रहते हैं। जब हालात मुश्किल आएंगे तो आप क्या हो, क्या करोगे? अपने आप का, अपने आप के ऊपर का आपा खो दोगे, अपने आप के ऊपर का कंट्रोल खो दोगे? ऐसा मत करना। समय कभी एक जैसा नहीं रहता है, कभी सीधा चलेगा समय, कभी उल्टा चलेगा। आपको उल्टे समय में भी, आपके मुश्किल समय में भी, आपकी विपरीत परिस्थितियों में भी आपको धैर्य रखना होगा और आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा, अपने आप को मजबूत रखना होगा। अगर मुश्किल हालात में आपने अपना आपा खो दिया ना, तो आप हीरो से जीरो बन जाओगे, टॉप से शून्य पे आ जाओगे। बहुत से लोग मुश्किल हालात में आपा खोकर अपनी पूरा जीवन तबाह कर लेते हैं, अपने आप को खत्म कर लेते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि मुश्किल हालात में आपा कभी मत खोना, और जब मुश्किल हालात आए तो उस समय क्या करना चाहिए ये देखिए। सबसे पहले तो उन गलतियों को देखिए जिसके करने से आप अपना आपा खोते। आप पास्ट में जाके सोचिए कि यार मैंने ऐसा क्या किया था, जब क्या हुआ था मेरे साथ में ऐसा, जब मैंने अपना आपा खो दिया था, जब मुझे मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं किया था। ऐसी कौन सी सिचुएशन आती मेरे जीवन में, ऐसी कौन सी सिचुएशन आई है मेरी लाइफ में जब मैंने अपना ऊपर कंट्रोल खो दिया, जब मैंने अपने आप के ऊपर आपा खो दिया, जब मुझे लगा कि मेरा जीवन खत्म हो चुका। उन गलतियों को ढूंढिए, उन परिस्थितियों को ढूंढिए और आप उनके प्रति सजग रहे कि भविष्य में अगर ऐसी कंडीशन वापिस कभी आई तो मैं अपना आपा नहीं खोऊंगा, शांति से काम लूंगा, धैर्य से काम लूंगा उस परिस्थिति में, क्योंकि परिस्थितियां कभी भी वापस आ सकती है। समय कभी एक जैसा नहीं चलता है, कभी रात आती है तो कभी दिन आता है। दिन में आप खुश रहोगे, रात में आप मुश्किल अपना आपा खोगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो उन परिस्थितियों को ढूंढिए, अपनी उन गलतियों को ढूंढिए जिन गलतियों में आपने अपना आपा खोया था, जिन परिस्थितियों में आपने अपना आपा खोया, उन परिस्थितियों को ढूंढिए, उन परिस्थितियों पर विचार करिए और सोचिए कि भविष्य में यह परिस्थिति वापस आई तो उस वक्त मैं अपना धैर्य नहीं खोऊंगा, उस वक्त मैं अपना दिमाग से काम करूंगा। उन चीजों को पहचाने जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है। कभी कभी यह होता है कि इंसान की गलती नहीं होती, कभी सामने वाले व्यक्ति की होती है, कभी नेचुरली फॉल्ट हो जाता है, कभी प्राकृतिक या कभी और किसी कारण से गलती होती। तो उन कारणों को ढूंढे जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। जैसे जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, आपको किसी मीटिंग में जाना है और आप ट्रेन लेट हो गई आधा घंटा एक घंटा, आपका प्रोग्राम मिस हो गया, आप वहाँ पहुँच नहीं पाए, और जैसे आप कहीं प्लेन में जाना है आपको और वो प्लेन कैंसिल हो गई, टिकट कैंसिल हो गई, तो उस वक्त आपको बड़ा इरिटेट होता है, बड़ा मतलब होता है कि आखिर कैसे हो गया, अपने आप पर गुस्सा करते। तो कुछ ऐसी बातें देखें जिस पर आपका कंट्रोल ना हो और हो सकता है कि वो प्राकृतिक रूप से हुई हो, तो उस पर आप अपने आप को गलती ना निकाले, आप अपने ऊपर आपा ना खोए। अरे यार ट्रेन मिस हो गई या प्लेन मिस हो गई या किसी कारण से कोई मिस हैपनिंग हो गई, तो आप अपने आप को दोष क्यों देते हो? उस वक्त अपने आप को दोष ना दे, उस वक्त प्रभु के ऊपर से और छोड़ दे कि जो हुआ यार अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, इन टेक केयर, इन फ्यूचर में ध्यान रखें। जिन परिस्थितियों के आपके ऊपर कंट्रोल ना होना, उसके लिए आप अपने आप को दोष मत देना। तनाव में कोई फैसला मत लेना। जब आप मुश्किल हालात में आपा होते हो, अपने आप को ऐसे होते हो, जब आपको मुश्किल हालात पैदा होते हैं उस वक्त कोई फैसला मत लेना तनाव में, जल्दबाजी में। कभी कभी होता है एकदम मतलब लोगों के ऊपर संकट आ जाता है, जल्दबाजी में फैसला लेते, अरे यार ये कर लो वो कर लो, नहीं। थोड़ा समय गुजरा है तो गुजरने दो, लेकिन 5 मिनट अपने आप को शांति से सोचो और फिर फैसला लो। तनाव में, हेजिटेशन में, दुख में फैसले लोगे ना तो वह फैसला हमेशा गलत होता है। सोच विचार कर, अच्छा सा मंथन कर फिर फैसले ले, तनाव में फैसला ना ले,
अगर आपने तनाव में फैसला लिया तो पहले ही आप मुश्किल हालात में हो और तनाव में और फैसला लोगे आप बिना सोचे समझे, तो आपका तनाव और बढ़ जाएगा, आपकी मुश्किल और बढ़ जाएगी और आपकी विषम परिस्थितियां, आपके डिफिकल्टीज वापस अगेन आपकी लाइफ में आ जाए। खुद से उत्साह वाली बातें करें। कभी ध्यान रखना, जब मुश्किल हालात आए, जब अपने आप में आपा खोने लगे, जब आपको वर्स्ट वर्स्ट सिचुएशन आए, तो उस वक्त खुद से उत्साह वाली बातें करना, नहीं सब कुछ अच्छा होगा, मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा, मेरे अच्छे दिन वापिस आएंगे, मैं वापिस उसी पोजिशन पर आऊंगा। मतलब अपने आप से मोटिवेटेड बातें करें। कोई आपको दूसरा मोटिवेट करे ना करे, हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन हो जहां सिर्फ आप अकेले हो, आपके साथ में कोई नहीं हो जो आपको मोटिवेट करने वाला हो, उस वक्त आप अपने आप से मोटिवेट बातें करें कि नहीं अच्छा होगा, अच्छे दिन आएंगे मेरी लाइफ में, मैं वापस वही करूंगा, मैं वापस उठ खड़ा होकर मैं वापस मेरी वही पोजिशन आई। मुश्किल हालात में अपने आप से मोटिवेट बातें करें तो आपके मुश्किल हालात में आप आपा खोना भूल जाओ। तो आप भी अगर मुश्किल हालात में अपना आपा खोते हो ना, तो ये बातें फॉलो कर लेना।